इस लेक्चर में चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन इथाइन और एसिटाइलीन हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन एटम इज व्हाट? SP, SP2, SP3, DSP2। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है SP3। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है SP2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है SP। सबसे पहले इथाइन या एसिटाइलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक-एक हाइड्रोजन एक-एक कार्बन के साथ अटैच कर देंगे। इन दोनों कार्बन की दो-दो वैलेंसीज पूरी हुई हैं, तो इन कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड्स और अटैच करने पड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया C2H2 का स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी SP हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31, द SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर व्हाट? नॉन प्लेनर, को प्लेनर, लीनियर। SP3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। SP2 हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, और SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्लेनर होते हैं। को प्लेनर का मतलब है जो कि मौजूद हो सेम प्लेन में। इसी तरह से SP हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब है सेम लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। तो SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द कंपाउंड हैज SP2 हाइब्रिडाइजेशन? NH3, C2H2, C2H4, H2O। जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालनी हो, उस एटम को सेलेक्ट करने के बाद काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड लोन पेयर्स दैट आर कनेक्टेड टू इट। उस एटम के साथ मजीद कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं और उस एटम पे कितने लोन पेयर्स मौजूद हैं, ये हम काउंट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो सम आएगा, अगर वो 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इन नंबर्स का सम 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी SP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इन नंबर्स का सम 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी SP हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं 3 एटम्स और एक लोन पेयर, तो ये सम आ रहा है 4। इसका मतलब है कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होगी SP3। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में मौजूद हाइब्रिडाइजेशन तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड चेक कर ले। दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है। कार्बन की दो वैलेंसीज पूरी हुई हैं, तो दो बॉन्ड और हमने लगा दिए। कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होगी SP हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इस मेथड से चेक करें, इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, और कार्बन में लोन पेयर नहीं होता। इस कार्बन के साथ दो बॉन्डेड एटम्स मौजूद हैं। हमारा सम आ रहा है 2। बॉन्डेड एटम्स एंड लोन पेयर का सम 2 आए तो SP हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस कार्बन में लोन पेयर नहीं है, बॉन्डेड एटम 2 है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन SP है। इसको चेक करते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, 4 हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। कार्बन की 3 वैलेंसीज पूरी हुई हैं, एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी SP2। अगर हम इस मेथड से चेक करें, इस कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम 1, 2, 3। इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, सम आ रहा है 3, तो इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी SP2। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे होंगे दो लोन पेयर्स।
ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी sp3, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दो लोन पेयर है, 2 + 2 = 4। तो इस तरह से H2O में हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है C2H4। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, द शेप ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज व्हाट? लीनियर, पायरामिडल, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर, एंगल होता है 120 डिग्री। चेक करते हैं BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन के साथ 3 Cl अटैच हैं। तो अभी हमने ये मेथड सीखा था कि जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालनी है उस एटम को चेक करें कि उसके साथ कितने बॉन्डेड एटम्स मौजूद हैं। तो बोरॉन के साथ 3 बॉन्डेड एटम्स हैं और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्डेड एटम्स, नो लोन पेयर। तो इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रायगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 34, विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर? CH4, NH3, BF3, C2H2। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, एंगल 180 डिग्री होगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इन चार कंपाउंड में से किस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है। CH4 को अगर हम चेक करें कार्बन के साथ 4 एटम्स कनेक्टेड हैं, तो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। 3 एटम्स और एक लोन पेयर, ये सम होगा 4। तो NH3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। BF3 में चेक कर लेते हैं, बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं। जब भी नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर का सम 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इस कंपाउंड में चेक कर लेते हैं C2H2, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 हाइड्रोजन हैं तो एक एक हाइड्रोजन अटैच किया। कार्बन की 2 वैलेंसीज पूरी हुई हैं, तो कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करने के लिए बीच में 2 बॉन्ड और लगा दिए। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से भी हम पहचान सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर हम नंबर ऑफ अटैच एटम को चेक करें तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ ही दूसरा कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्डेड एटम्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हमने काउंट नहीं करना है। इस मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp होगी ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए। इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है C2H2। क्वेश्चन नंबर 35, अ मॉलिक्यूल ऑफ Ab2 टाइप अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इट्स ज्योमेट्री शुड बी व्हाट? लीनियर, पायरामिडल, बैंड, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। Ab2 को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि A एक सेंट्रल एटम है और उसके साथ 2 एटम्स बॉन्डेड हैं। सपोज कर लें, इसको हम मान लें कि H2O, O को हम मान लेते हैं A और H2 को हम मान लेते हैं B, और इस कंपाउंड में मौजूद हैं 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 2 लोन पेयर्स। इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो सम आ रहा है 4 का, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मगर ये सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इन दी प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टू लोन पेयर अगर हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बेंट या फिर एंगुलर होती है, एंगल 104.5 होता है। ऐसे मॉलिक्यूल में जब सेंटर में एक एटम हो उसके साथ दो एटम्स अटैच हो और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये लोन पेयर्स भी मौजूद हो, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बेंट ऑब्जर्व होगी। क्वेश्चन नंबर 36, द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज व्हाट? एंगुलर, पायरामिडल, लीनियर, ट्रायगोनल। किसी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वन लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पायरामिडल होगी, एंगल 107 डिग्री होगा। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करनी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड एटम्स हैं तीन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक मौजूद है लोन पेयर, तो इसका सम हो गया फोर। जब भी बॉन्डेड एटम्स और लोन पेयर का सम फोर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। बॉन्डेड एटम्स हैं यहाँ पे थ्री, लोन पेयर है एक, सम हो गया फोर। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। मगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विद वन लोन पेयर तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा पायरामिडल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 37, डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग व्हाट? लीनियर, बेंट, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल। CO2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है लीनियर। क्वेश्चन नंबर 38, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द पायरामिडल स्ट्रक्चर। ये चार कंपाउंड्स गिवन है, NH3, BF3, SiF4, PCl5। अभी हमने ये बात सीखी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो विद वन लोन पेयर तो ज्योमेट्री पायरामिडल होती है, एंगल 107 डिग्री होता है। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है विद वन लोन पेयर तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है NH3। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39, इन डायमंड ईच कार्बन इज लिंक्ड विद फोर अदर कार्बन एटम्स एट एन एंगल ऑफ दिस 104 डिग्री, 109 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। कार्बन एटम मजीद चार कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर अगर हो एंगल होता है 109.5 डिग्री। यहाँ पे 109.5 डिग्री एग्जैक्ट आंसर नहीं है मगर इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा 109 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल्स? H2O, NH3, CH4, BeCl2। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है लीनियर और एंगल होता है लार्जेस्ट दैट इज 180 डिग्री। इन चार कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। H2O की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 क्योंकि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर्स हैं और दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, टोटल सम हो गया फोर। जब भी सम फोर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन हैं और एक लोन पेयर है। CH4 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 क्योंकि इस कार्बन के साथ भी चार बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। BeCl2 में Be, एक Cl इधर, एक Cl इधर। इस बेरिलियम के साथ दो बॉन्डेड एटम्स हैं। जब भी बॉन्डेड एटम एंड लोन पेयर का सम टू आए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री वुड बी लीनियर एंड एंगल वुड बी 180 डिग्री। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है बेरिलियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 41,
द एंगल बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वॉट? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल होता है 120 डिग्री। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल CH2, NH3, SO2, H2O। इन चार कंपाउंड में से CH2 की हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन और इसका एंगल होगा मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 43, दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल NH3, CO2, SO2, H2O। जब भी किसी मॉलिक्यूल की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी एंगल होगा 180 डिग्री। तो इन चार कंपाउंड में से CO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कंपाउंड की ज्योमेट्री लीनियर और एंगल 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 44, डायपोल मोमेंट ऑफ CH2 इज जीरो, हेंस द बॉन्ड एंगल इज व्हाट? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है और हम ये जानते हैं एक लाइन का एंगल 180 डिग्री होगा, तो CH2 के लिए बॉन्ड एंगल वुड बी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45, द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज व्हाट? किसी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो विद वन लोन पेयर, ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पायरामिडल होती है, एंगल होता है 107 डिग्री। अमोनिया मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विद वन लोन पेयर, तो इस कंपाउंड के लिए एंगल होगा 107 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 46, द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल इज व्हाट? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए एंगल होता है 109.5 डिग्री। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है 109.5 डिग्री। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 47, दिस मॉलिक्यूल हैज टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। H2O का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे मौजूद हैं दो लोन पेयर्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो H2O में दो बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं और दो लोन पेयर्स मौजूद हैं। इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें 2 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं, तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है H2O। क्वेश्चन नंबर 48, दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, PO2, CH4, NH3, H2O। तो इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। H2O में ऑक्सीजन है एक, दो लोन पेयर्स होंगे और दो बॉन्ड पेयर होंगे, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा और तीन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो तीन बॉन्ड पेयर्स एक लोन पेयर। कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। CO2 का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, इस ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर्स होंगे, इस ऑक्सीजन के साथ भी दो लोन पेयर्स होंगे। CO2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है CO2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग? CH4, H2O, NH3, HF। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, H2O, NH3HF, इन तीन कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मौजूद हैं जो कि हाइड्रोजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं होगी क्योंकि CH4 में हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई एटम मौजूद नहीं है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है CH4। CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 50, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन बिटवीन दिस। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी की रेंज पूछी जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी की रेंज होती है 20 to 40 kJ/mol, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की रेंज होती है 150 to 500 kJ/mol। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 20 to 40 kJ/mol। क्वेश्चन नंबर 51, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, HCl, H2S, H2O, HF। फ्लोरीन हैज दी हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होती है वो इस तरह से होती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HF बॉन्ड में, उसके बाद HO, उसके बाद HN। जबकि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिफरेंट है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, HF का बॉइलिंग पॉइंट और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट H2O के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 52, दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को सेकेंडरी बॉन्ड कहा जाता है, जबकि प्राइमरी बॉन्ड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड शामिल है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे स्टिक, द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिक दैम वॉट। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वॉन्डर वॉल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन फोर्स। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 54, इथाइल अल्कोहल इज मोर विस्कस देन डाई मिथाइल ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। डबल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मूला है CH3CH2OH, जबकि डाई मिथाइल ईथर का ये फॉर्मूला है CH3OCH3। इथाइल अल्कोहल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता और इसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये दोनों कंपाउंड्स कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं और इन दोनों कंपाउंड में अगर हम चेक करें, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम है, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा विस्कोसिटी इथाइल अल्कोहल की है क्योंकि इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, जबकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ भी ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटोनिक ब्रिज इज अनदर नेम ऑफ दिस, आयोनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रोटोनिक ब्रिज भी कहा जाता है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, डेटिव बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड के लिए जो टर्म यूज होती है इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 56, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर, कॉजेज नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजेस द विस्कोसिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड में मौजूद हो, उस लिक्विड में एवेपोरेशन रेट स्लो हो जाता है। एवेपोरेशन रेट स्लो होने की वजह से वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, डिक्रीज दी वेपर प्रेशर। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई असर ना डाले, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। डिक्रीज दी बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। डिक्रीज दी विस्कोसिटी, ये ऑप्शन भी गलत है। विस्कोसिटी में इंक्रीज ऑब्जर्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है।